चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू वेयर? द्वारका। सिर्फ द्वारका जाएंगे और उसके बाद काफी कुछ कवर करना है। सोमनाथ है और बीचेस पढ़ेंगे, स्पेशली ब्लू वाटर बीच। हमने सोचा कि पहले कृष्ण की नगरी से ही स्टार्ट किया जाए। हाँ, अच्छा रहेगा। और उसके बाद दीव जहाँ जाए कृष्ण। हाँ। पहले क्यों नहीं जा रहे, वो रीजन आप समझ सकते हो। ठीक है, और एक साल बाद मिली है मेरी मॉम। हाँ, एक साल बाद मिलने की खुशी में हम लोग दीव जा रहे हैं। होटल फॉर्चून पैलेस हम पहुंच गए। हमने कहीं भी बीच में स्टॉपेज नहीं लिया। चलिए देखते हैं होटल फॉर्चून अंदर से भी। सही, अच्छा लग रहा मुझे होटल फॉर्चून। आ जाओ मम्मी, बैठ जाओ, हो गया, अब खाना खाने आ जाओ। क्या हुआ नहीं बताएंगे, क्यों हुआ कंचा? क्या हुआ नहीं बताना यहाँ के। हम रीजन वीडियो के एंड में बताएंगे रीजन। होटल में आ गए। हाँ, ये क्या? ओहो, क्या बात है, सही है ना? हाँ, अच्छा है। क्यों अंदर देखते हैं? वॉशरूम पहले देखना जरूरी है। नाइस, अच्छा मतलब एस यहाँ पे ये भी मस्त है। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत सही लगा। मेक माई ट्रिप में 3000 का मिल रहा था पर रूम, बट मैंने उनको डायरेक्टली कॉल करके थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लिया एंड थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, दो रूम मिल गए मेरे को। बंदे से बात कर रहा, वो भी यूट्यूबर निकला। हाँ, वो भी यूट्यूबर। वाह, फीचर मस्त लगा ना। टच करोगे मेकअप रूम, लॉन्ड्री एंड डू नॉट डिस्टर्ब। बहुत ही बढ़िया, ये कुछ नया दिखा मुझे इस रेंज के होटल। हाँ, करेक्ट, प्यार मस्त है ना। चलो ठीक है भैया, जल्दी सो जाओ, सुबह सुबह जल्दी निकलना, 6:30 दर्शन करने जाना है द्वारकाधीश टेम्पल। टाइम हो रहे हैं सुबह के 6 बजे और आज हम पहली बार 5 बजे उठे हैं होटल में। जस्ट बिकॉज ऑफ ये द्वारकाधीश टेम्पल का आरती जो है 6:30 पे, और वो हम मिस नहीं कर सकते हैं। एंड उसके बाद भीड़ द्वारका सा बहुत कुछ है आज, मतलब सुबह सुबह ही हम उठ गए हैं और स्टार्ट कर दिया है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली, और मम्मी और आकांक्षा का जो फोटोग्राफी है वो अभी से स्टार्ट हो चुका है। वो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं इरिटेट ना हूँ। सुबह सुबह एक तो उठा, वही बड़ी बात थी, और ऊपर से अब इनकी फोटोग्राफी चालू हो चुकी है। होटल के बाहर से ये ऑटो मिल गया हमें, 10 रुपीज पर सवारी है। तो फोटो अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर कैसे फोटो ले सकता हूँ। दर्शन करके आ गए हैं। दर्शन सिर्फ 2 सेकंड के ही हुए और वो भी हम लोग ने कर लिए, बट जेंट्स की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी तो इन लोगों ने सबने दूर से ही करे। अगर अब देखो वहाँ पे कैसा है कि कोई भी फ़ोन, कैमरा, पर्स ये सब अलाउड नहीं है, तो यू कैन कीप अपना सामान वहाँ पे लॉकर्स दिए जाते हैं, आप रख सकते हैं, ट्रस्टेबल रहते हैं वैसे तो, और आपको चाबी वगैरह वो लोग दे देते हैं। बट हमने फिलहाल हमारे पापा वहाँ बैठ गए थे, उन्होंने फिर बाद में दर्शन किए तो हमने उनको दे दिए, बट आप वहाँ पे जाके दे सकते हो उनको। उसके बाद हम तुरंत से आ गए हैं और अभी हम 7:30 आई थिंक हम वापस आ गए थे। अभी हम लोग फटाफट से नाश्ता कर रहे हैं। आई विल शो यू, हमने मंगवा लिए होटल में पराठे, पनीर पराठा, आलू पराठा। यस, लोगों को डोसा इडली भी पसंद है, पनीर पराठा पसंद है। चलो 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 चलो, उसके बाद हमें निकलना है भेट द्वारका। ज्यादा मुझे मत दिखाया करो, मोटा हो चुका हूँ। होटल टू बेट द्वारका अप्रॉक्स 35 किलोमीटर है, 45 मिनट लगा हमें पहुंचने में। द्वारका के लिए अभी हम आ गए हैं। इधर बोट लेना है हमें, 20 रुपीज़ पर पर्सन सुना है मैंने, जाके देखता हूँ, कन्फर्म करूँगा। एंड वन मोर गुड न्यूज़ कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, दैट मीन्स कि ब्रिज बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा यार, कार से ही जा सकते हैं भाई। ऐसे बोट पे बैठना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। 20 रुपये, हाँ 20 रुपये पर पर्सन है। बैठने की जगह मिलेगी कि नहीं यहाँ पे?
कंजेस्टेड है भाई, पीछे आने को बोल रहे हैं लेक्स से। यहाँ पे पूरी नाव, ये बोल रहे हैं यहाँ पूरी नाव खाली है, इधर आ जाओ। कहाँ है जगह? मुझे तो जगह नहीं दिख रही है भाई, यहाँ शूट करने की भी जगह नहीं है। अगर गिरेंगे भी तो एक दूसरे के ऊपर, शायद एक दूसरे के कंधों पे। चश्मा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? कैसे लग रही मेरी मम्मी? बहुत सुंदर, वो डूब रही है इसकी। कान न गिर जाए। स्वर्ग के द्वार का आनंद ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा। अप्रॉक्स हमें 20 मिनट लगा बेट द्वारका पहुंचने में, और ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि अभी जो ब्रिज है जो मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले वीडियो में, वो बन रहा है। तो इन फ्यूचर या जब भी बन रहा हो, एक दो साल में बनेगा या जो भी जितने टाइम लगेगा, तब हम अपनी कार से आ सकते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। गर्मी बहुत है और बहुत भीड़ है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। एंड थोड़ा सा दूर लग रहा है यहाँ से मुझे, देखते हैं कितना दूर पड़ता है, कितने मिनट की वॉकिंग में बताता हूँ। आप खुद इन्जॉय करोगे आओगे तो, मतलब मज़ा तो आता ही है, ठंडी 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 हवा ये सब। तो स्टीमर से करके भी द्वारका आने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मैं क्या, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये है कि इन्होंने 100 रुपीज लिया है, मतलब हमें वहाँ तक द्वारकाधीश टेम्पल पहुँचने तक का, तो ये सिर्फ पहुँचाने का है कि वहाँ रिटर्न भी करवाएंगे? तो इतने में टेम्पू वाले भैया हंस पड़े। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या हो सकता है। ये 20 रुपये सवारी है, ठीक है, 4 लोग हैं तो 80 हुआ, लेकिन ये लोग 5 सवारी रखते हैं तो 100 दे के द्वारकाधीश टेम्पल तक पहुंचाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब है तो 300 मीटर की दूरी पर ही, बट थोड़ी सी चढ़ाई ही है। हम लोग ने इसलिए लिया कि बिकॉज थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। गौ माता जी एंग्री है, पूरा रास्ता घेर के रखा हुआ है यहाँ पे, उस तरह से यहाँ पे ठेले में भी लोग आ जाते हैं। हाँ, पास में आइए। हाँ, ठेले में भी जा सकते हैं। कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, वहीं पे आपको मिलेगा लॉकर, वहाँ पे आपको लॉकर में रखना है और उसके बाद आप जा सकते हैं अंदर। मैंने जरूर ऑटो कर लिया था 100 रुपीज़ का, बट नीड नहीं है, बहुत बगल में था, बहुत बगल में, विद इन 2 मिनट में पहुँच गए थे। तो 10 मिनट, हाँ 10 मिनट वॉकिंग पे मार्केट होते हुए जाइए, इन्जॉय करिए। वेलकम टू द्वारका, यानी कि ब्रह्म का द्वार। अभी हमने एक्चुअली कवर कर लिया था जो वहाँ पे मेन टेंपल था द्वारका का, फिर हम आ चुके हैं अभी भेट द्वारका। अभी भेट का मतलब क्या है एग्जैक्टली, वो आपको मम्मी समझाएंगे। असल में यहाँ पे जब आप आइए तो अधिकतर लोग सिटी में जो द्वारकाधीश मंदिर है उसी को देख के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन ये मंदिर जो है जहाँ पे कृष्ण भगवान अपनी सभी रानियों के साथ वास करते थे, ये भेट द्वारका के नाम से, एज ए गिफ्ट। हाँ, एज ए गिफ्ट जो है यहाँ पे सुदामा जो पोरबंदर के रहने वाले थे और मित्र थे कृष्ण भगवान के, उन्होंने उनको चावल भेंट किए थे और उसके बदले में कृष्ण ने उनको 3 राज्य उनको भेंट स्वरूप दे दिए थे, इसलिए इनका नाम भेट द्वारका। और हमें भी भेंट दे दिया है, अब हमारे भी राज्य होंगे। इसलिए आप जब भी यहाँ पे आइए तो वो मेन मंदिर तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ भेंट द्वारका भी आपको आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अनिवार्य है। और मस्त था, हम लोग ने थोड़ा सा चावल लिया है जरूर, और इसको बोलते हैं कि अपने जहाँ तिजोरी है जहाँ पैसा आप रखते हैं वहाँ, और जहाँ चावल रखते हैं वहाँ पे एक पोटली बना के रख दीजिए। श्रद्धा ब्रिजेश जो बता रहा था बन रहे हैं, जल्दी से बन जाए हो तो बढ़िया रहेगा, स्टीमर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बाहर उड़ी आएंगे और एक भरता हुआ भर के चला गया, बहुत वेट करना पड़ेगा, शायद पूरा फुल कर देते तभी बोट यहाँ से नवाना होती है। आते टाइम तो इतना भीड़ नहीं थी, मतलब आते टाइम हमें बैठने की भी जगह नहीं मिली थी, बट जाते टाइम हमने ढूंढ लिया है, बहुत मस्त जगह बैठने की। वाह, इसके कारण क्या क्या बनना पड़ रहा है लोगों को बचाने के लिए अपने आप को। थैंक यू, यू आर द सेवियर। भगदड़ देखो कितनी हो गई यहाँ पे उतरने के लिए, हम लोग तो रुक गए भाई, जहाँ भी नहीं रहे ये लोग निकल रहे हैं भाई, इनको बहुत जल्दी है। अगर आप द्वारका में जाएंगे तो ये भी टूरिस्ट स्पॉट मिलेगा बारिश के टाइम पे, पानी में आपने स्टीमर चलते हुए देखी होगी, गाड़ी पहली बार देख रहे होंगे या देखा होगा कहीं, इंडिया में तो पॉसिबल है बट मैंने पहली बार देखा। रोड दिख नहीं रही है, बस अंधाधुंध जा रहे हैं,
बस आई होप कि कोई सीवर की लाइन खुली ना हो यार। ये क्या सब स्विमिंग पूल भी है भाई यहाँ पे, वाह सब मिल गए। सही है यार, हम लोग होटल में ढूंढ रहे थे स्विमिंग पूल, हमको यही मिल गया। वाह वाह वाह, टाइम टू से गुड बाय। एंड इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं शिवराजपुर बीच, माधवपुर बीच, सोमनाथ टेम्पल, दीव, तो बहुत कुछ है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।